और उसके बाद मैं ये कंट्री से जा रहा हूँ अमेरिका से, और अब मैं कौन सी कंट्री में जाऊँगा, कहाँ पे ब्लॉग बनाऊंगा, वो आपको सस्पेंस है, आप लिखो नीचे कॉमेंट में, आइडिया लगाओ। Nene, yo me llamo Tarzán y la gente me dice cómo es. El rey de la selva. Jane perfect. यार मैं बहुत मिस कर रहा हूँ छोले चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल. Cuando comí león cazando los ciervos, cómo es. El rey de la selva. Yo soy el fito de leones a cerdo, cómo es. El rey de la selva. Hello Tarzán, hello Tarzán. York में भी रिक्शा चलती है, ये रिक्शा है भाई. Hey, chulo león y ya está. Yo soy. El rey de la selva. तो मैं अभी आपको लास्ट टू ब्लॉग्स के बारे में बता रहा था, एक तो न्यू जर्सी के एयरपोर्ट के बारे में और इसका न्यूयॉर्क से डिस्टेंस क्या है वो बताया था, तो मैंने आपको कार्ड के बारे में भी बताया था। ये मेरा वीज़ा कार्ड है जो मैंने आपको बताया, ये SSBC का, और ये कार्ड है ये यहाँ पर चला गया, इसमें मेरे साइन भी है और पीछे स्ट्रिप भी हो गया, इसमें चिप भी है यहाँ पर, और ये कार्ड चला नहीं, तो जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई और वो कैश लेने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने यहाँ पर इंस्टेंटली पैसे दे के मशीन से ये वाला कार्ड बनाया, मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड, और ये मैंने मास्टर कार्ड बनाया और यहाँ पे स्ट्रिप है नीचे, और इन्होंने यूज़ किया। इसके $5 जो है कार्ड के डिपॉजिट में लगे और बाकी का जो बैलेंस है वो इस कार्ड में आ गया, उन्होंने कटी कट कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि जब मैं वहाँ से वाला एरिया क्रॉस करके, तो ये लोग सारा कुछ जो है ना यहाँ पर आग ऊपर करके और पूरा पॉकेट्स वगैरह खाली करके इन्होंने स्कैन करके, तो बड़ा अच्छा सिस्टम है इनका। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जब आप न्यूयॉर्क में या अमेरिका में ट्रैवल करते हैं, लंदन में ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर एक चीज़ है कि ये लोग जो हैं ये आपको पासपोर्ट पे कभी भी स्टैम्प नहीं लगाते हैं, जो आपका कंट्री आउट का स्टैम्प होता है वो ये कभी भी नहीं लगाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में लगता है कि आप इमिग्रेट हो गए और वापस जाते हो, आपको स्टैम्प लगानी होती है और वीज़ा यूज लिखना होता है, ये सब कुछ नहीं करते, सब कंप्यूटराइज करते हैं, सब उस पर कंप्यूटर में एंट्री कर लेते हैं और कंप्यूटराइज उसके अंदर एंट्री होती है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचो कि ये स्टैम्प लगाएंगे उसके ऊपर, मैं बिल्कुल भी स्टैम्प नहीं लगाते हैं। और जैसे ही मैंने सिक्योरिटी क्रॉस करी, मैं यहाँ पे गेट के पास हूँ, आप ये अगर पीछे गेट देख रहे हैं तो ये गेट्स बने हुए हैं चारों तरफ, आप देखो इधर लोग बैठे हैं खाना पीना है, और ये गेट बने हुए। अच्छा, मैं आपको इसमें एक और इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा था कि जो ये हमारा कार्ड है ये खाने पीने के लिए भी यूज़ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम खाने पीने के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, हम खाने पीने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कि मतलब ऐसा नहीं कि वो पैसे फंस गए। और इस कंट्री में नहीं, जहाँ जहाँ मास्टर कार्ड चलते हैं, जहाँ जहाँ मास्टर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, हम वहाँ वहाँ पर वो कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहो तो ज़्यादा पैसे भी डलवा सकते हो, मतलब ज़्यादा डॉलर भी डलवा सकते हो, ये प्री पेड बेसिकली कार्ड है। और इन्फॉर्मेशन ये थी इस ब्लॉग में कि ये यहाँ पर कोई स्टैम्पिंग नहीं करते कि कंट्री आउट की स्टैम्पिंग भी, अगर आप न्यूयॉर्क से बाहर जा रहे हो, अमेरिका से बाहर जा रहे हो, तो ये लोग स्टैम्प करेंगे। और मैं आपको अभी एक और एक दो ब्लॉग और बनाऊंगा, अभी मुझे ध्यान में आ रहा है, तो मैं उसके बारे में जरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको वो ब्लॉग बना के दिखाता हूँ। और उसके बाद मैं ये कंट्री से जा रहा हूँ अमेरिका से, और अब मैं कौन सी कंट्री में जाऊँगा, कहाँ पे ब्लॉग बनाऊँगा, वो आपको सस्पेंस है, आप लिखो नीचे कॉमेंट में, आइडिया लगाओ, तो मैं आपको वहाँ से ब्लॉग्स छोटे छोटे से बनाकर आप तक तक के लिए बाय बाय सारे जहाँ से अच्छा सुना तो 360 डिग्री देखिए पूरा, ये देखो तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा 360। तो हम जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।